the book and take your word. Alright, thank you, Prati. Actually, this book 101 recipe, this is an idea that we developed with Mrs. Mehta in our interactive session with mothers. She has been taking. Now I would request Mrs. Mehta to just unwrap the book and. और नीता मेहता जी लेकर आई हैं बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया बेहतरीन रेसिपी जो अब तक आपके बच्चे खाने से वंचित रह चुके थे। आइए उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और उनके खाने का खजाना लेकर के आइए नीता मेहता जी। जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए उनकी सेहत के लिए एक अच्छी जो रेसिपी लेकर आई हैं नीता मेहता जी उसका क्या राज है और जो लेकर आई हैं उसके बारे में बताने जा रही हैं उसके। नीता जी आपका स्वागत है। नीता जी जो आप 101 जो ये बड़ा खतरनाक इमरजेंसी नंबर होता है जो इमरजेंसी नंबर जो बच्चों के लिए लेके आई हैं क्या राज है इसका? इसमें बहुत सारी वैरायटी है सबसे पहले बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे रोज नया खाना मांगते हैं तो 101 दिन तक तो उन्हें नया खाना मिलता रहेगा। इसमें जो रेसिपीज हैं वो ऐसी हैं जिससे बच्चे भी खुश रहेंगी और मदर भी खुश रहेंगी। बच्चे इसलिए खुश रहेंगे क्योंकि उसकी उनके टेस्ट के हिसाब से बनाई गई है। मेहता जी जैसे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे घरेलू मध्यम वर्ग के बच्चे भी है जो बहुत सस्ते सस्ते साधारण जो टिप्स हैं आपकी नज़र आ रही हैं बुक्स के ऊपर कि बच्चे बाजार में जाते हैं ऐसी चीज़ें खाते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ऐसे आपके जो चीज़ें सस्ते जो मैं देख रहा हूँ तो इससे बच्चों के सेहत पर जो बाजारू चीज़ ना खा करके आपकी बनाई हुई रेसिपी पर ध्यान दें जो माता पिता हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चे बहुत बाज़ार में चीज़ें देखते हैं और वो घर में खाना चाहते हैं तो जो बाज़ार की चीज़ें हैं उन्हीं को कैसे हेल्दी बनाया जाता है इस किताब में दिया गया है। तो उसमें ऐसी सब्जियां छुपा कर डाल दी जाती हैं या ऐसी चीज़ें जैसे ओट्स हैं छुपा कर डाल दिए जाते हैं जिससे पिज़्ज़ा वगैरह या वो सैंडविचेस जो बाज़ार में खाते हैं वो भी हेल्दी बन जाते हैं। नहीं तो देखा गया हर बुक राइटर अपने बुक्स को जो राइटिंग में लिखा होता है उस पर प्रैक्टिकल वीडियो एल्बम्स के द्वारा जन जन तक घर घर तक बच्चों तक जिससे कि वो बनाने के टिप्स को सीख जाए तो क्या इस तरफ भी आप ध्यान देने जाएंगे या देंगे भविष्य में? नहीं ज़रूर हम सोच रहे हैं कि सीडीज बनाएं और पर अभी तक देखा गया है कि बच्चे जो मदर्स हैं वो कंप्यूटर वगैरह किचन में नहीं ले जाती हैं तो इसलिए जो हार्ड कॉपी है उसका अपना मजा है क्योंकि बुक को आप किचन में ले जाते हैं। बनाने के जो तरीके हैं जब आप बनाते हुए साक्षात एक ऑडियो कैसेट में वीडियो कैसेट में नजर आएंगे तो क्या लगता नहीं कि आपके बनाई हुई वैरायटी आपकी जो ये टिप्स हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे इस्तेमाल करेंगे? अभी तक मेरे सुनने में यही आया कि जो मेरे लिखने का तरीका है वो इतना क्लियर है कि ऐसे लगता है जैसे मैं उनके साथ बैठकर काम कर रही हूँ और उन्हें सिखा रही हूँ। आज आप देखें पढ़ा लिखा जो वर्ग है वही आपकी बातों को पढ़ सकता है। एक जो गृहिणी है जो टीवी देख रहे हैं ग्रामीण तक 75% आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है तो आप नहीं चाहते कि वहाँ घर घर तक उन बच्चों तक आपकी बनाई हुई रेसिपी प्रसिद्ध हो? बिल्कुल। तो वो तो माध्यम उसका एक वीडियो ही है, वीडियो ही है तो इस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखिएगा और उन बच्चों तक भी अपने पहुँचाने के लिए प्रयास कीजिएगा और आपकी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप अपनी कामयाबी को बढ़ाएंगे। और ये जी हाँ यह ऑक्सफोर्ड हाउस के अंदर आज नीता मेहता जी ने जो रेसिपी बनाने की जो टिप्स है 101 दिन कम से कम अपने बच्चों को आप खिलाइए ऐसा जानकारी इन्होंने दी। देखते हैं उनके माता पिता इनकी इस बुक का कितना फ़ायदा उठाते हैं और अपने बच्चों के लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितना ध्यान देते हैं। ऑक्सफोर्ड हाउस से कैमरामैन कमल के साथ रायचंद्र इंद्रपति बात ऑक्सफोर्ड हाउस दिल्ली।